लड़का गया था ग्यासपुर अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। उधर इसी घर का एक लड़का का हत्या किया गया है। लड़का जो था अपने प्रेमिका से मिलने गया हुआ था, तभी वहां पे उनके घर जीवन द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। उसके बाद से रेलवे ट्रैक के पास उनके बॉडी को फेंक दिया गया है। जो प्रेम प्रसंग का मामला था आपके लड़का का शादी, कब से आप लोग जान रहे थे? अभी तो 10 दिन हुआ जानकारी को, नहीं तो हम शादी के दिन ही क्यों रखते। अच्छा अच्छा, हाँ। शादी कब था विवेक का? 6 महीने में 4 तारीख का तिलक था और 12 तारीख का बारात था। परिजन मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ घटना हुआ चाचा? हाँ जी, क्या घटना घटा हुआ? मेरा लड़का का मार दिए हैं सब, और जो है कि जो रेलवे लाइन पे फेंक दिए, और बाइक के चाबी और मोबाइल उसके जेब में रख दिए, और वो लोग बांध करके मारे और मेरे को सूचना दिए उसी लड़के को मोबाइल से जी आकर अपने लड़के को ले जाओ जी। फिर हम वहाँ जाने के लिए तैयार हुए, तब तक फिर 10 मिनट के बाद वो लोग फोन कर दिए जी यहाँ मत आओ, हम तो आपका लड़का जा रहा है जी जी। फिर लड़के से मैंने बात किया तो लड़का बोला पापा मैं आ रहा हूँ जी। फिर वो लड़का 10 मिनट के बाद फिर मोबाइल बंद हो गया जी। फिर मैं बात करने के लिए काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला उसका नंबर, फोन बंद हो गया। हाँ, फोन बंद हो गया जी। फिर हमारे दिल में बेचैनी हो गया जी, लड़का रह कहाँ गया, खाया पिया भी नहीं है और दोपहर का टाइम हो गया। फिर हम निकल गए अपने बाइक लेकर के दूसरे पड़ोसी का, फिर हम बाइक लेकर निकले बगौरा स्कूल हाई स्कूल पर पहुँचे, वहाँ से रेलवे ट्रैफिक का वहाँ फोन आया जी आपका लड़का यहाँ पड़ा हुआ है हैं। वहाँ से फिर हम लोग भागे भागे गए वहाँ तो देखे जी दोनों लाइन के बीच में पड़ा हुआ है। मतलब एकदम आपकी लड़का जो है विवेक नाम जो लड़का बताया जा रहा है, हाँ जी, उसको हत्या किया गया है। हाँ जी, हत्या किया गया है। लाश जो मिला रेलवे ट्रैक पे मिला हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा लाश है जी। क्योंकि जो अगर ट्रेन मारता जी, है जी, तो जो है कि जो उसको चिथड़ा कर देता। अच्छा, ये उनके घर पे जो अभी जिस घर पे गया हुआ था आपका लड़का, जिस लड़की से मिलने गया हुआ था साथ के परिवार वाले बता रहे कि उसके घर वाले फरार है। हाँ। उस कार्रवाई पुलिस के पास हम लोग गए थे? नहीं, हम लोग कहीं नहीं गए हैं अभी, कुछ नहीं। अभी तो अब हम अपने रोग में और वियोग में पड़े हैं जी। हैं जी, हम लोग कल से ना परसों से दाना पानी बिल्कुल अब नहा धोवा करके आए हैं अपना उसको घाट टांग करके। विवेक क्या करता था? विवेक अभी कुछ नहीं करता था, अभी घूमता फिरता था पढ़ाई छोड़ करके, कहीं जॉब वॉब के लिए जाता था लेकिन आ जाता था जे मेरे बस का काम नहीं है। हैं, शादी भी ठीक हुआ था क्या? हाँ, शादी भी ठीक हुआ था उसका। हम तो 10 दिन ये खबर हुआ मेरे को जे मतलब ऐसे ऐसे बात है, तो लड़की वाले से भी बात किए जे उसके भाई का नंबर मिला तो कलकत्ता से मेरे को गर्मी में बात किया जे हम गोली मार देंगे। इससे पहले मैं धमकी भी दिया था। हाँ, धमकी 10 दिन पहले भी धमकी दिया था वो। कौन है? हम पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? देवनाथ यादव। देखिए, देवनाथ यादव है जो जलालपुर के रहने वाले, इनका लड़का नाम विवेक का अपने घर से गया प्रेमिका से मिलने, यानी सिसवन थाना क्षेत्र का, सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र, काफी जो क्रिमिनलों का अड्डा है वहीं पे ग्यासपुर मिलने गया था अपने प्रेमिका से। उनके साथ बगल के एक लड़का है, इनसे साथ पूरी चैटिंग वैटिंग भी देखे हुए लड़की के साथ। क्या कुछ जानकारी मिला हुआ था विवेक का कैसे हत्या हुआ है? हत्या हुआ इसका 10 दिन पहले धमकी मिला था कि गोली मार देंगे, उसका भाई बोला था, ठीक है जी। तो उसके बाद वो कल बाला फसला के वो उसकी बहन बुलाई तो वो गया था उससे मिलने के लिए, उसको पकड़ के रखे मारे पीटे तो वो कॉल किया, बोले उन लोगों ने कि अपने घर पे कॉल करो बुलाओ, तो वो कॉल करके बोला तो हम लोग जा रहे थे, तब तक वो फिर से कॉल करके मना करवा दिए कि नहीं मत आओ। पहले तो गर्मी में बात किया कि नहीं आओ, गाली गलौज सब किया उसके बाप लड़की का जी जी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे तब तक आया तो बोला कि नहीं मत आओ, हम लोग छोड़ दिए हैं या लड़का जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग निकले कि नहीं जाएंगे, तो उसके बाद फ़ोन उसका बंद बताने लगा, तो फिर जीआरपी से कॉल आया कि आपका लड़का का बॉडी यहाँ मिला है एक माह रेलवे ट्रक पे। विवेक का शादी जून महीना में था इसी साल, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, जून में उन विवेक का शादी था और शादी के पहले उनका जनाजा उठ गया। परिवार के साथ मौजूद है, देखे तमाम तस्वीरें दिखा सकते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं, रिलेशन के भी लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरी घटना है जो काफी दर्दनाक घटना है, अपने प्रेमिका से मिलने गया। देखिए कहावत बताया जाता है कि इसे रोजाना खबर देखते हैं कि प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को बुलाती है और घर पे जाने के बाद उसकी हत्या करवा दिया जाता है। शायद उसके पहले भी उसके परिजन जो होते हैं, प्रेमिका के जो परिजन होते हैं, सब जानते हैं कि मेरी लड़की कहां बात करती है। जब तक पैसा लड़की लड़का से अटते रहती है, जब तक परिजन को अच्छा लगता है, और जब देना बंद कर देता है, जब कुछ बात विवाद हो जाता है, तो लोग सवाल खड़ा करने लगता है कि लड़का घर में पकड़ा गया, लड़का ये कर रहा था मेरी लड़की के साथ। शायद इसके पहले भी जो विवेक था, जो जलालपुर का रहने वाला विवेक था, दौड़ा थाने के जलालपुर का रहने वाला विवेक था, इसके पहले भी शायद जाकर लड़की से मिल रहा होता है, लेकिन उसके पहले कोई बात हल्ला नहीं होता है कि आपका लड़का क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब कुछ बात हो जाता है तो फिर लोग उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, यहां तक उसकी हत्या कर देते हैं। उसी में क्रम में जिस तरह एक छोटे
छोटू आरती का भी मामला आया था, बिहार में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था, उसी प्रकार जो है घटना हुआ है विवेक के साथ, काफी दर्दनाक घटना हुआ है, काफी बिरामी से उसको पहले पिटाई किया जाता है, उसके बाद परिजन से बोला जाता है कि आप लेके जाइए, और फिर कॉल करके बोला जाता है कि आप छोड़ दिए हैं, लड़का खुद जा रहा है, और फिर 10 मिनट बाद विवेक का फोन बंद हो जाता है, और थोड़ा देर बाद पता चलता है कि विवेक का शव एक बार रेलवे ट्रैक पास पड़ा हुआ है। जहां से भी हो FIR दर्ज करे, जो भी आरोपी शामिल है, शायद लड़की का परिजन हो, लड़की का कोई और आशिक हो, या कोई भी हो, तुरंत कार्रवाई करे और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि ऐसे घटना आगे न घटे। बाइक से मिलने गया था और सवाल यह बताया जाए कि RPF को शव मिला, तो जब शव मिला, जब शायद लड़का खुद से अगर सुसाइड करता, रेलवे ट्रैक पर जाके गिर जाता, तो फिर बाइक शायद रेलवे ट्रैक के पास ही मिलता, लेकिन अभी तक बाइक का भी सुराग नहीं लगा है। इसलिए साफ साबित होता है कि लड़का का हत्या लड़की के परिजनों द्वारा किया गया है, जो सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर में। क्या कुछ नाम है लड़की के परिजन का, कुछ नाम पता है आपको? हाँ, उसका भाई का नाम है विकास यादव जी, पिता का नाम है चहेटू यादव यादव, यासपुर के रहने वाले हैं।